ऐसे गिरी है घोड़े से, लग भी गई होगी मेरे हिसाब से। और आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से घोड़े चलाते हैं और बिल्कुल गलत तरीके से घोड़े चलाने के कारण ये सारी चीज हो गई है। हाँ, इन लोगों ने मम्मा को गिरा दिया है। अरे बैग और ये चीजें हम लोगों ने वापस से, हमारा टेंट पैक हो चुका है और अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। केस मेरा निवेदन है कि जब भी कोई पिट्ठू में आए और पिट्ठू वाले के साथ आए तो कम से कम उससे पिट्ठू वाले जैसा व्यवहार मत करिए। उसको आप खाना खाते हैं तो उसको खाना भी खिलाइए, चाय पिलाते हैं तो चाय भी पिलाइए। लोगों की ऐसी आदतें होती है कि हाँ पिट्ठू वाला है, हमने तो 2000 दे दिए हैं, हमने तो 2500 रुपये दे दिए हैं, हम इसको क्यों खाना खिलाएँ, हम इसको क्यों चाय पिलाएँ। ये चीज़ें बहुत ख़राब होती है। आपसे मेरा नम्र और विशेष निवेदन है, अगर आप केदारनाथ आते हैं और अगर पिट्ठू करते हैं, नहीं करते हैं, अगर पैदल चढ़ते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर पिट्ठू करते हैं तो इन लोगों के साथ भी आप एक परिवार वाला व्यवहार करिए। आप जहाँ चाय पीते हैं चाय पिलाइए, खाना खाते हैं खाना खिलाइए। ये आपको तोक के ला रहे हैं, आपका पैसा कोई बैठ तो नहीं होता है, पैसा सबके पास होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भैया जी, आप पिट्ठू तोक के लाते हैं, आपको कभी थकान वाली फीलिंग नहीं आती है क्या? हमको तो थकान लगे आते है ना, लेकिन ये पेट के लिए हम इतना चलता है, मतलब रोजी रोटी के लिए सब करना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए सब करना पड़ता है। वरना आप घोड़ा वोड़ा खरीदते तो? घोड़ा वोड़ा तो आप पैसा होता था घोड़ा खरीद लिया, लेकिन पैसा नहीं था यहाँ से घोड़ा। सही है, बाबा केदार का आशीर्वाद है आपके ऊपर, केदार के आशीर्वाद। ठीक है, हर हर शिव शंभो, आप निकलते हैं। शिव शंभो। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, बाबा केदार के यहाँ से चलते हैं नीचे उतर के गोरीकुंड की ओर, फिर वहाँ से जाएंगे सोनीपुर, वहाँ से अपनी गाड़ी लेंगे। ठीक है, फिर निकलेंगे। अब आगे क्या कहाँ जाना है देखते हैं। दर्शन हो गए हमारे, दर्शन होने के बाद हम निकल गए हैं। निकलने के बाद यूँ लग रहा है कि अब जैसे हम लोगों ने सोचा था कि भाई हम लोग पिट्ठू में जाएंगे, बट पर हम हमारे जो मन में फील ही नहीं हुआ कि हम बैठ ही नहीं पाए उसके पीछे कि यार हम कैसे बैठे किसी व्यक्ति के पीछे। ये बिल्डिंग जो प्रलय में ख़त्म हो गई थी, बाबा के आशीर्वाद से वापस बनाई जा रही हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स का काम चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो जो तबाही आई थी सब खत्म हो गई थी। इस साइड नए नए घाट बन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, ये घाट जहाँ तक दिख रहे हैं वहाँ तक घाट ही घाट बन रहे हैं। ये बाबा केदारनाथ का प्राचीन मंदिर है, इसमें सेम प्रतिलिपि है भगवान केदारनाथ की, जिस प्रकार उस मंदिर के अंदर है उसी प्रकार इस मंदिर के अंदर भी सेम बाबा केदारनाथ के मूर्त टाइप है। मंदिर की लाइन आज तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ना, मुझे नहीं लगता कि आज दर्शन हो पाएंगे इनके ना। अब देखिए वो लाइन कितनी लंबी है। हमारी उतरने की जर्नी स्टार्ट हो गई है, अब आपकी यात्रा मंगलमय हो का बोर्ड आ गया है, हम उतर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि एक बार पराठे वराठे खा लेते हैं। नहीं पर मैं मैगी खाऊंगी इस बार, पराठे नहीं खा रही हूं। हाँ, ये पराठे काका की थक चुकी है और अभी अभी भी पराठे खाएगा ना, अभी आप क्या खाओगे? पराठे खाएगा, पराठे और अब हम लोग यहाँ से खाने के बाद हमारा ये प्लान है कि हम तुरंत से तुरंत नीचे उतरे और सोन प्रयाग पहुँचते हैं। ठीक है, अभी तो हम अब हमारा का यहाँ का लगभग तो हमारा टूर हो चुका है, अब हम कोई नई जगह डेस्टिनेशन पे जाएंगे। सो अभी यहाँ से निकलना बहुत भारी बात है, नहीं सो अभी हम चलते हैं, हमारी मैगी आने वाली है और पराठे भी आने वाले हैं। और ये हमारे पिट्ठू भैया कल से हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहे और कल से साथ में ही है। सो अब हम पराठे का वेट कर रहे हैं, पराठे आ जाते हैं फिर खा लेते हैं फिर निकलते हैं। मैगी आ गई संगीता? हाँ, और ये पराठे इतने ज़ोरदार बने ना, मतलब हमने अभी तक ट्रिप में इतने बढ़िया पराठे कहीं नहीं खाए जितने इन भैया ने बनाए, क्योंकि भैया क्या दिल्ली से हैं तो वो हमारा टेस्ट जानते हैं। सो अभी हम मैगी वैगी खा लेते हैं, चाय भी आने वाली है, पराठे तक एकदम टॉप है। ठीक है, उतरते हुए कैसा लग रहा है संगीता? उतर रहे हैं अब, दर्शन तो वही गए, अब उतर ही रहे ना। उतर रहे हैं पर फिर भी ऐसे थोड़ी घबरा, सांस फूल रही है, जैसे ऐसा लग रहा है सांस फूल रही है। थोड़ी देर में ऑक्सीजन देंगे हम आपको। मन नहीं कर रहा है जाने का, पर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। देखिए आप कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं अभी, और संगीता
दोनों को पिट्ठू पे बिठा दिया गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। मामा वो है, मामा पिट्ठू पे बैठे हैं, अभी दिखाते हैं। ये घोड़ा स्टैंड आ गया है। घोड़ा स्टैंड आने के बाद मतलब कि यहाँ पर सारे घोड़े यहीं तक हमें लेके आते हैं और आते टाइम भी हम यहाँ पर ही हमें घोड़ों से उतारा जाता है और जाते टाइम भी आप देखिए पूरी घोड़ों की मंडी लगी हुई है। यहीं से लोग भाव ताव कर रहे हैं और बैठ रहे हैं, ऊपर भी आते हैं तो यहीं पर उतारा जाता है, नीचे जाते हैं तो भी यहीं से हम बैठते रहते हैं। देखिए आप नज़र जाती है वहाँ तक घोड़े घोड़े हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत थक गए थे तो पिट्ठू भैया मिल गए थे तो इसमें पिट्ठू पे बैठी हुई हूँ मैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि पिट्ठू की सबसे सेफ है, मतलब अगर अपन आ रहे हैं यहाँ पे केदारनाथ चढ़ाई अगर अपन चढ़ नहीं पा रहे हैं नजर आए हैं। आधे टाइम के हेलीपैड में रहता नहीं था इसीलिए हम लोग पैदल पैदल गए हैं क्योंकि हमें पैदल के रास्ते का भी तो मतलब फील करना था, थोड़ा डेंजरस है जरूर पैदल पैदल चलना। एक तो ये ग्लेशियर और ये घोड़ों की थन थन आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है, जैसे घुंघरू जैसी आवाज़ें मुझे लग रही हैं घोड़े के जैसे घुंघरू बांधे गए हो और इतना अच्छा लगता है। यहाँ से जो निकलना ही मुझे सबसे अच्छा लगता है पूरे केदारनाथ मार्ग में क्योंकि ये जो जगह है ये मेरी सबसे फेवरेट जगह लगी मुझे। यहाँ से पैदल वाले ऊपर आते हैं, घोड़े वाले नीचे से जाते हैं। मैं भी नीचे से आया, इतना सारा कीचड़ था फिर भी मैं इस कीचड़ में आया हूँ। आपको मैं बताता क्या हूँ, मैं वहाँ पर भी थोड़ी देर पहले भी गिरते गिरते बचा था। देखिए वो कीचड़ है, वो भैया कितनी मुश्किल से वो गिरते गिरते बचे हैं। सीधा रास्ता है जहाँ से भी उतरा जाता है तो देख ही सकते हैं। और पिट्ठू वाले भैया अभी तो कैसे लेके जा रहे हैं, क्यों अभी हाय करो। यहाँ हमें एक ये पहल बड़ी अच्छी लगी है कि बोतल का 20 रुपया है और खाली बोतल जमा कराइए और 10 रुपया वापस ले लीजिए कहीं भी रिफंड बोतल करके। सो आई थिंक ये चीज़ भी बड़ी अच्छी है, इससे क्या होगा कि कचरा नहीं बढ़ेगा। केदारनाथ की दूरी यहाँ से ये जो घोड़े आप देख रहे हैं ये घोड़े मतलब कि बड़ी मुश्किल से चढ़ रहे हैं और ये भैया हैं इस घोड़े को रोक रखा है और इधर से दो घोड़े गिर भी गए थे। हालांकि इन घोड़ों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। आप देखिए कई बार वो भी आंटी की गिर गई थी, उस घोड़े की लग भी गई थी और आंटी जी की तो लगी तो अलग से एक अलग बात थी। अभी वो देखिए वो घोड़ा गिरा अरे बच गया वो घोड़ा। और फाइनली अभी हम देख रहे हैं कि ये भैया थोड़ा सही से इसने घोड़ा चलाया और ये आंटी जी को इसने गिरते गिरते बचा दिया। फाइनली हम 10 किलोमीटर पार कर चुके हैं, हम उतरते उतरते आ गए हैं और अब ठीक लग रहा है ना? ठीक लग रहा है यार, मतलब दर्शन होने के बाद हम लोगों को एक विशेष रूप से ताकत मिल गई थी और उसी चक्कर में हम लोग इतना स्पीड से उतरे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। सो अभी तो बहुत रास्ता है अभी तो बहुत। ठीक है हम आगे अपडेट करते हैं आपको कि आगे क्या हो रहा है। क्यों अभी अब क्या लग रहा है तुझे और आगे कहाँ घूमने चलना है? अभी देखते जा। ओ अभी पहाड़ी पे डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, डर नहीं लग रहा है, इसका डर भाग चुका है। इसके बाद जो कीचड़ हुआ है ना वो इतना जोरदार हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो मेरे जूते देखो। ये हम 10 किलोमीटर से चलते आ रहे हैं ऐसे कीचड़ में, तो भयानक कीचड़ हो चुका है यहाँ पर। यात्रियों यात्रा समाप्त स्थगित कर दी गई है, कोई भी यात्री केदारधाम यात्रा में नहीं जाएंगे, यहीं गौरीकुंड में स्टे करें। सुबह 4 बजे यात्रा खुलेगी। यात्रा स्थगित हो चुकी है, काफी बर्फबारी और बरसात होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी है। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मतलब आप देखो कि पैर रखने की जगह नहीं है, एक तरीके से कुंभ का मेला है। सकड़ी सी गली तो ये है, 4 फीट की गली में लोग आ भी रहे हैं, 4 फीट की गली में जा भी रहे हैं
और ऊपर से दुकानें और माहौल तो एकदम खतरनाक सा गरमाया हुआ है और सब लोग थक गए हैं। रेनकोट सब ने रेनकोट पहन रखा है, ड्रेस कोडिंग हो रही है, मतलब कि सब रेनकोट ही रेनकोट में नजर आ रहे हैं। ओके थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा, जय भारत, ओके बाय बाय।